हाय दोस्तों, मेरा नाम है कुशल और मैं शिल्पी। आज हम देखेंगे सना बकेट की न्यू वीडियो फेस रिवील। वीडियो स्टार्ट करने से पहले आप सभी को हैप्पी इंडिपेंडेंस डे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं वीडियो। कितना वो है क्या क्या है इतना देर का आप सभी को फटाफट बोलना इंडिपेंडेंस झंडी हुए ने। सना बकेट ने 1 लाख सब्सक्राइबर पूरे कर दिए हैं। तो मैनी मैनी कांग्रेचुलेशंस। सलाम मेरे अजीज पंखो, कैसे हो तुम सब? आज इस चैनल पे 1 लाख सब्सक्राइबर्स कंप्लीट हो चुके हैं और तुम सबका बहुत बहुत शुक्रिया। अगर तुम सब ने मुझे सपोर्ट ना किया होता तो मैं आज यहाँ तक ना पहुँचती। ये तुम सभी हो जो मुझे बेहतर से बेहतर कंटेंट लाने के लिए मोटिवेट करते हो। लड़के हो ना तो सोसाइटी का प्रेशर भी बहुत है। मुझसे एक्सपेक्ट किया जाता है कि मैं सिर्फ घर के काम ही कर सकती हूँ, क्योंकि यूट्यूब पर वीडियोस बनाना तो लड़कों का काम है। खैर है, कोई बात नहीं। मैंने अपने पहले Q&A की वीडियो में मजाक में कह दिया था कि मैं 1 मिलियन सब्सक्राइबर्स पर फेस रिवील करूंगी, पर तुम सब ने इतना प्यार दिया, इतनी सपोर्ट दी कि मुझे लग रहा है कि मुझे फाइनली अपनी आइडेंटिटी रिवील कर देनी चाहिए, मेरा रियल ट्रू फेस। और तुम सबकी रिक्वेस्ट्स भी हद से ज्यादा आ रही हैं, जो बात है। मैंने आइडिया अपने कलीग से डिस्कस किया पर उन्होंने फौरन से मना कर दिया कि कोई जरूरत नहीं है फेस दिखाने की, फेस दिखाओगी तो लोग ट्रोल करेंगे। पर जो भी है यार, इतनी सपोर्ट दी है तुम लोगों ने मुझे, उसके बाद फेस रिवील करना तो बनता ही है। तो देखो अब मुझे ट्रोल ना करना। तो हियर वी गो। तो क्या चल रहा है आजकल? मैं हूँ आपका फेवरेट यूट्यूबर साद, तुम्हारा अपना डकी भाई। कोई बात ये है कि चौंको नहीं, ना ये सनस बकेट के साथ मेरी कोलैबोरेशन है और ना ही तुम लोगों के साथ ये कोई प्रैंक है। तुम सोच रहे होगे कि मैं इस चैनल पे आखिर कर क्या रहा हूँ। तो बेसिकली ये लड़कियों की आवाज निकालना भी मेरा एक टैलेंट है। तुम लोगों को तो पता ही है कि मेरा जो मेन चैनल है डकी भाई, उस पे मैं 18+ टाइप कंटेंट बनाता हूँ। तो मैंने सोचा क्यों ना उसके साथ साथ एक मम्मी डैडी टाइप कंटेंट बनाया जाए बिना अपनी आइडेंटिटी रिवील किए। तो फिर मैंने सनस बकेट शुरू कर दिया और हिट होने के फॉर्मूले तो मेरे पास पहले से ही थे, इसलिए तुम देख सकते कि मैंने चैनल को कितनी जल्दी ग्रो करवाया। और यही वजह है कि मैं अपने मेन चैनल डकी भाई पर फ्रीक्वेंटली वीडियोस अपलोड नहीं कर रहा, क्योंकि मेरा सारा ध्यान ही इस चैनल पर होता है। और उसके अलावा ठरकियों के कमेंट्स पढ़ने का भी बड़ा मजा आता है मुझे। बात अगर कमेंट्स की चल ही रही है तो यार क्या ये तुम लोग आवाज के पीछे पड़ गए हो? वीडियो पे मेरा ध्यान नहीं था। सना जी आपकी आवाज बहुत ही दिल को छूती है कसम से यार। कंटेंट देखो आवाज का, तुम अचार डालना है। अब ये कमेंट देखो, तुम्हारे वीडियोस बहुत बकवास होते हैं, मुझे बस तुम्हारी आवाज अच्छी लगती है। तुम पता नहीं अभी तक कैसे चल रही है यूट्यूब पर। तो जवाब है तुम जैसे ठरकियों की वजह से, जो इनोसेंट प्रिंसेस को फेसबुक पर ऐड करके दोस्तों में शोखियां मार रहे होते हैं कि बच्ची सेट कर ली। अब आपके भाई के तो सीन चल निकले हैं। असल में इनोसेंट प्रिंसेस आगे से कुछ शीदा क्रियाने वाला निकल आता है। अब बताओ, अब प्यारी लग रही है मेरी आवाज? क्यों बेटा, ओले ओले, क्या हो गया, हैंड हो गया लग रही है। और ये सारे जो कह रहे होते हैं कि सना तुम डकी को कॉपी करती हो, तो यार जाहिर है जब मैं बना रहा हूँ तो मेरे काम का थोड़ा सा टच तो आएगा ना यार। वीडियोस को एंजॉय किया करो। तुम लोगों ने एक ही रट पकड़ी हुई है, फेस कैम करो, फेस कैम कर लो। लो कर लिया फेस कैम, अब उम्मीद है तुम्हारी कॉन्स्टिपेशन ठीक हो जाएगी। तो अब हेट ना देना मुझे, खुदा दा वास्ते तुहानू। इस चैनल को भी सब्सक्राइब करो और जो मेरा मेन चैनल है ना डकी भाई, उसको भी सब्सक्राइब करो। मैं लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। तो चलो यार आज के लिए बस इतना ही था। टीम ने डिसाइड किया कि इस वीडियो पर हर लाइक मारने वाले को एंटी ठरक स्प्रे दिया जाएगा। ये था मेरा फेस रिवील। मैं मिलता हूँ तुम लोगों से अगली वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ। इतना ही था, खत्म। नहीं 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 नहीं, डकी नहीं हो सकता। पर वो डकी हो खुद बोल रहा है। अरे लग ही नहीं रहा है। नहीं। अब वो बोल रहा है कुछ हो सकता है अगर उसमें, अगर हम दिमाग लगाए। डकी भाई यार अपना खुद का वो चला रहा है। इसके पहले कुकिंग वीडियोस होते थे, क्या डकी भाई कुक करते थे? कभी फेस नहीं रिवील किया। नहीं, सना ने, किसने, डकी भाई का? तो ये डकी भाई का फेस था, लेकिन सना बकेट का नहीं लग रहा। कि मेरे को लग रहा है सना बकेट कोई लड़की ही है, ये डकी भाई नहीं हो सकता। सना बकेट के वीडियोस पता नहीं करता हूँ कि ये डकी भाई का ही चैनल है। और आप
क्या सोचते हैं इस बारे में आप हमें नीचे कमेंट करके बता सकते हैं कि व्हाट डू यू थिंक अबाउट दिस। थंबनेल में जब देखा तो ऐसे लड़की मैं था आज फेस आएगा बाहर फेस आएगा बाहर नहीं लग रहा था यार ये ऐसे आवाज अभी भी अच्छी लगती है। मैं भी इनकी आवाज पसंद करती हूं जब सच में आपको फेस नहीं दिखता और सिर्फ आवाज सुनाई देती है ना। हाँ ये बात एक अलग बात है कि अगर वो फेस रिवील नहीं करना चाहते हैं क्योंकि लड़कियों के लिए थोड़ी होती है पाबंदियाँ होती है कि फेस रिवील कर दें तो फैमिली इशू होते हैं कि भाई फैमिली वाले अलाउ नहीं करते और ये वो हाँ सोसाइटी के इश्यूज होते हैं पर अब नहीं होंगे क्योंकि ये भी अगर सना भी अगर डकी भाई है तो ये हर अपने वीडियो में फेस अब रिवील कर सकते हैं अगर ये सही है तो नहीं होंगे अब कह रहे हैं तो कहने वाली बात नहीं है दिल की बात माननी चाहिए कि दिल क्या बोल रहा है। चलो जो भी है सच्चाई सामने आ ही जाएगी। आप बताइए आप क्या सोचते हैं हमारे लोग जो कॉन्ट्रडिक्ट कर रहे हैं। जितने भी लोग थे काफ़ी क्यूरियस थे सना बकेट को सर्चेस में आते थे कि सना बकेट फेस रिवील ये एक सर्चिंग वो था कीवर्ड था तो काफ़ी लोग आएंगे इसको देख के और डकी भाई को देख के तो उनका हाल काफ़ी रिएक्ट मुझे तो ज़्यादा वेल हाँ डकी भाई लड़की की आवाज़ में कोई लड़का बोल रहा है ये बात मुझे शॉकिंग लगी। नहीं नहीं यार डकी आवाज़ के लिए मैं अभी भी बोलूँगी कि अच्छी लगी। हाँ जो सना बकेट की जो आवाज़ है वो तो अच्छी है पर वो उनकी ही है पूछना पड़ेगा क्योंकि देख डकी भाई का कितना बड़ा चैनल है और सना बकेट ने खुद कमेंट्स कर दिए काफ़ी मतलब उनके काफ़ी वीडियोस आते हैं तो जितना जो मैच होता है ना जो भी चीज़ हम देखें तो उस हिसाब से तो नहीं लग रहा ये दो पर्सन अलग अलग ही हो सकते हैं। लेट्स सी टेल अस आप क्या सोचते हैं आपके क्या व्यूज हैं आपके दिमाग में क्या आ रहा है ये वीडियो देख के। होप आपको अगर ये वीडियो अच्छा लगा हो हमारा तो वीडियो को लाइक कीजिएगा और इस वीडियो को अगर आप देखकर बहुत ज्यादा शॉक हुए हैं या नहीं भी हुए हैं तो भी चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दें व्हाट द सेंस कर दें मतलब करना पड़ेगा मिलते हैं अगले वीडियो में टेक केयर बाय बाय।